हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज का फिफ्थ टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है, पढ़ेंगे साथ साथ, कॉन्सेंट्रेट करो। सिद्धार्थ सोल्ड गुड्स टू सुरीत फॉर रुपीज 43,800। डेट है 18th मार्च 2019। सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर रुपीज 43,800। सेम डे को सिद्धांत ने सुधीर के नाम पे बिल बनाया 3 मंथ्स के लिए, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। सुधीर ने भी एक्सेप्ट किया है। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। सेम डे को सिद्धांत ने ये बिल डिस्काउंट किया 8% पर एनम। ओके, द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड टू सिद्धांत टू एक्सेप्ट रुपीज 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। देखो क्या एक्सेप्ट करने को बोला, पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट कैश में दे रहा है, ठीक है। ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा रिमेनिंग अमाउंट पे 12% पर एनम, ठीक है। सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 मंथ्स। तो सिद्धांत ने ये एग्री किया, नया बिल एक्सेप्ट किया है 2 मंथ्स के लिए। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल, और लास्ट में न्यू बिल जो बना है सुधीर ने उसे रिटायर किया है ड्यू डेट के पहले 29,700 रुपीज में, ठीक है। ये सब ट्रांजेक्शन्स की हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओनली सिद्धांत। सिद्धांत के बुक्स में जर्नल एंट्रीज देनी है। तो स्टूडेंट्स, सिद्धांत कौन है, ड्रॉवर या ड्रॉवी, वो पहले फाइंड आउट करेंगे। सिद्धांत एंड सेकेंड पर्सन है सुधीर, उसे भी फाइंड आउट करेंगे ड्रॉवर या ड्रॉवी। सिद्धांत ने सोल्ड किए, यानी सिद्धांत हो गया सीलर, सेलर यानी ही क्या बनेगा, ड्रॉवर। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है जर्नल ऑफ सिद्धांत ब्रैकेट में ड्रॉवर। तो एंट्री स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, कॉन्सेंट्रेट करो। पहली एंट्री पहले ट्रांजेक्शन के लिए, पहले सेंटेंस के लिए, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। सो सेल ट्रांजेक्शन है और सेल वाले एंट्री में करनी है। डेट है 18th मार्च 2019। तो डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 2019 मार्च 18। सेल वाली एंट्री है, यानी यहाँ पे पहला अकाउंट मिलता है सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट हमें पता है इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल अगर देखेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल क्रेडिट हो जाएगा, तो जिसे सेल किया है उसका नाम लेना चाहिए यहाँ पे, तो डेबिट रहेगा, ठीक है। तो सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर ये पर्सनल अकाउंट है एंड पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। अगर हम इसे सोल्ड कर रहे हैं तो ये रिसीव कर रहा है, इसलिए सुधीर अकाउंट डेबिट टू यहां पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट, 43,800। डेबिट जो अकाउंट है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में, उसके आगे ही लिखना पड़ेगा, और जो क्रेडिट है उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, इस तरह से पहला एंट्री हमारा हो गया। तो फर्स्ट लाइन तो रीड किया है, सेकेंड देखते लाइन, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल, बिल ड्रॉ किया है ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर रुपीज 43,800। सेम डे यानी सेम डेट आएगा, बराबर। बिल ड्रॉ किया है सेम अमाउंट के लिए फॉर 3 मंथ्स विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। यहां तक सेंटेंस है, तो बिल ड्रॉ की एंट्री नहीं आती, बिल एक्सेप्ट के लिए एंट्री आती, बट हम एक साल बोलेंगे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट। तो सिंगल एंट्री फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट। तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट ऑन सेम डे, जिस दिन सेल हुआ है उसी दिन बिल बना है। सो मार्च 18 सेम डेट में फॉलो करूंगा। बिल बना है, बिल एक्सेप्ट किया सुधीर ने, यानी सिग्नेचर की, एक्सेप्ट करना यानी सिग्नेचर करना, और सुधीर वो बिल लौटा देगा सिद्धांत को, यानी सिद्धांत बिल रिसीव करेगा, बराबर, ठीक है। यानी सिद्धांत, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिद्धांत हम है, तो हमें बिल मिलेगा, यानी बिल कम सी हमारे पास बिल आ रहा है, यानी बिल्स कम इन, तो ड्रॉवर बिल के लिए स्पेशल नेम रखेगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल का पैसा ड्रॉवर को मिलने वाला है, तो इसीलिए वो बोलेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और इसे ये बिल दिया किसने, सुधीर ने, सुधीर
पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए अगर वो दे रहा है तो सुधीर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट बनेगा। ओके, अमाउंट सेम ही रहेगी, यस 43,800। नरेशन में लिखेंगे वी विल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। पीरियड भी लिख सकते हैं, फॉर 3 मंथ्स चलेगा। ओके, तो यहां तक एंट्री क्लियर की अपने, उसके आगे देखेंगे। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम, यहां तक देखेंगे। सिद्धांत ने आगे क्या किया, बिल डिस्काउंट किया बैंक ने। मैंने बताया आपको डिस्काउंट करना है, नहीं शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट यानी ही सेल करना है। अगर हम सेल कर रहे हैं बिल बैंक को, डिस्काउंट बैंक में होता है, यानी बिल बैंक को सेल कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, यस। तो यहां पे बैंक हमें पैसा देगी तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक को स्पेशल एक्सपेंस देना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में होता है। ओके, टू हम बैंक को क्या दे रहे हैं, तो बिल दे रहे हैं, बिल बैंक के पास जाएगा। जब डिस्काउंट हो रहा है यानी हम बिल नॉर्मली सेल कर रहे हैं बैंक को, तो बैंक से पैसा मिलेगा और हम उनके लिए क्या देंगे, बिल देंगे। तो यहां पे नाम आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट की है कॉमन एंट्री है, आपको ये बाहरी करनी है, याद रखनी है, क्योंकि डिस्काउंट जब बोलेंगे तब आपको यही एंट्री लेनी है, ठीक है। डेट क्या है, सिद्धांत डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डे, देम से डे सेम है, इसका मतलब डेट वही रहेगी मार्च 8। ओके, अब यहाँ पे हमें अमाउंट एडजस्ट करनी है। 8% पर एनम से डिस्काउंट किया है तो कैलकुलेशन करेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, आप नोट करके रखिएगा। डिस्काउंट इज इक्वल अमाउंट ऑफ बिल इनटू परसेंटेज इनटू पीरियड अपॉन 12। अमाउंट ऑफ द बिल 43,800, परसेंटेज 8% फॉर डिस्काउंटिंग, 8% 8/100। और पीरियड, पीरियड वो लेना है जितने पीरियड में, जितने मंथ्स के लिए बिल बैंक में रहेगा। अगर आप सेम डे को डिस्काउंट कर रहे हो और बिल 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स बिल बैंक में रहेगा, तो 3/12 टोटल मंथ्स होंगे, तो इसलिए 12 हमेशा आएगा वहां पर। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 से डिवाइड करेंगे 4 × 2 = 8, और 2 जीरो ऐसे ही चले गए, 438 × 2 करना पड़ेगा तो फाइनल आंसर मिलेगा कितना डिस्काउंट हुआ, 2 × 8 = 16 = 1, 2 × 3 = 6 and 1 = 7, 2 × 4 = 8, 876 rupees डिस्काउंट मिलेगा, कितना 876 rupees। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे एडजस्ट होगी, बिल रिसीवेबल की अमाउंट चेंज नहीं होगी, बिल रिसीवेबल के सामने लिखनी पड़ेगी 43,800। 876 हमें डिस्काउंट मिला है, मतलब डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे 876 डिस्काउंट के सामने, और बाकी जो बची हुई अमाउंट है बैंक हमें देगी, बैंक अकाउंट है, तो डिफरेंस अमाउंट निकालनी पड़ेगी 43,800 में से, ये 876 लेस करने पड़ेंगे, तो 43,800 में से लेस करेंगे 876, कितने मिलेंगे, 10 − 6 = 4, कैरी किए 1, 9 − 7 = 2, और 70 − 8 = 9, 42,924 ये अमाउंट आएगी बैंक से आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो यहां पे लिखना पड़ेगा बी बिल डिस्काउंट किया है, कौन सा, जो एक्सेप्ट किया है सुधीर, बी सुधीर एक्सेप्टेंस डिस्काउंट है इन बैंक। अब ये सुधीर एक्सेप्टेंस क्यों लगा, क्योंकि ड्रॉवर जो सेलर है उसके पास सो मेनी बिल्स होते हैं, तो कौन सा बिल किसका है पता नहीं चलता है, तो बैंक में कौन सा बिल दिया है याद रखना चाहिए, तो इसलिए किसका एक्सेप्टेंस है यहाँ पे लिखा जाएगा, सुधीर एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड इन बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट वाली एंट्री पूरी होगी। अभी आगे देखेंगे होता क्या है, यहां तक रीड किया था, उसके आगे देखेंगे। द बिल
वॉज डिसऑनर होना ही है, ठीक है, डिसऑनर वाली एंट्री दे देंगे, बट पीरियड था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स के बाद पता चलेगा डिसऑनर। ड्यू डेट को अगर पैसा नहीं दिया तो डिसऑनर होता है, तो ड्यू डेट की जो डेट है हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मार्च 18 ये डेट थी, सो आफ्टर 3 मंथ्स कौन सा महीना आएगा मार्च के बाद, अप्रैल मई जून ओके, थर्ड मंथ होता है जून, जून 18 को 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे ओके, उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे हम, 3 ग्रेस डेज। ड्यू डेट पाने के लिए हमें हमेशा पीरियड में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे ओके। सो अगर यहां पे 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड किए तो 21 जून मिल जाएगा, तो मार्च के बाद थर्ड मंथ बनता है जून, अप्रैल मई जून, जून के 18 को 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे और वहां पे 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 21 जून ये डेट मिलेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा जून 21, मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा है वहां पे, तो आप कॉन्सेंट्रेट करो ठीक है। सो ड्यू डेट हमें मिल गई है ओके, हमें एंट्री देनी है डिसऑनर वाली। डिसऑनर में स्पेशली क्या होगा, डिसऑनर यानी कैंसलेशन होना, और कैंसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ऑनर होना या डिसऑनर होना कंप्लीटली डिपेंड है ड्रॉवी पे, जिसके नाम पे बिल है, जिसका एक्सेप्टेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए कभी भी डिसऑनर अगर हो गया तो ड्रॉवी का नाम डेबिट करने का, यानी सुधीर है यहाँ पे, जिसका एक्सेप्ट है वो डेबिट में जाएगा, सुधीर अकाउंट डेबिट। टू, जब डिसऑनर हुआ तो नॉर्मली हमारा बिल था किधर, तो बैंक में गया था ना डिस्काउंट के लिए, तो बैंक से पता चला, तो बैंक सेकेंड नेम आएगा। सो डिस्काउंटिंग में डिसऑनर अगर हो गया, डिस्काउंटिंग में भेजा है और डिसऑनर अगर हो गया तो ड्रॉवी टू बैंक, ऐसे एंट्री बनती है, ड्रॉवी यहाँ पे सुधीर है, सुधीर टू बैंक एंट्री बनेगी। बिल की टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे आने वाली है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ओके। आफ्टर डिसऑनर आगे कुछ तो अरेंजमेंट हुआ रहेगा, हम फाइंड आउट करेंगे क्या अरेंजमेंट हुआ, डिसऑनर हुआ, बिल कैंसिल हुआ, आफ्टर दैट क्या। यहां से सुधीर रिक्वेस्टेड टू सिद्धांत टू एक्सेप्ट ₹13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। सुधीर ने रिक्वेस्ट किया सिद्धांत को कि प्लीज आप 13,800 एंड इंटरेस्ट जो भी होगा वो कैश में ले लो ओके, ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट कहां पे होगा, रिमेनिंग अमाउंट पे 12% से, ठीक है। सो आप पार्ट पेमेंट 13,800 फिलहाल ले लो और इंटरेस्ट जो होता है रिमेनिंग अमाउंट पे वो भी ले लो, बट बचे हुए अमाउंट्स के लिए न्यू बिल क्रिएट करो, ठीक है। तो चलो पार्ट पेमेंट का एंट्री आएगा बट साथ में कैश इंटरेस्ट भी आएगा, सो इट मींस पहले इंटरेस्ट वाला एंट्री हम देंगे क्योंकि इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट की अमाउंट एक साथ ही रिसीव होगी ना, यस। तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं कितना होगा, सिमिलर जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट किया है वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आप ये नोट करके रखना। इंटरेस्ट इज इक्वल बैलेंस अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू पीरियड अपॉन, पीरियड कौन सा, पीरियड ऑफ न्यू बिल, न्यू बिल का इंटरेस्ट के लिए न्यू बिल का पीरियड लेते हैं। बैलेंस अमाउंट कितनी है देखो, अगर वो रेडी है 13,800 देने के लिए, टोटल 43,800 था, वो 13,800 अगर पे करेगा तो बचेगी अमाउंट 30,000। परसेंटेज कितना आएगा, 12% इंटरेस्ट का कहा है उन्होंने, और पीरियड ऑफ न्यू बिल जो है वो लेना है, तो न्यू बिल का पीरियड कितना है देखो यहाँ पे, एक्सेप्ट न्यू बिल 2 मंथ्स के लिए, तो 2 मंथ्स का पीरियड आएगा। तो देखो कैलकुलेशन, 12 पहले से ही चला गया 0, 300 × 2 कितना होगा, 600 का इंटरेस्ट रहेगा। तो पहले इंटरेस्ट आया है क्या आने वाला है ये बताएंगे, तो ठीक है जो डिसऑनर एंट्री है उसी दिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन फर्स्ट, इंटरेस्ट हमें मिलेगा
क्योंकि कैंसिल किया है सुधीर ने, उसे न्यू बिल बनाने की रिक्वेस्ट की है, तो न्यू बिल की अमाउंट से बाकी है, उस पर इंटरेस्ट हम लेंगे, यानी इंटरेस्ट इनकम है और लेंगे सुधीर से, तो एंट्री बनेगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितनी अमाउंट 600, तो यहां पे लिखेंगे बी इंटरेस्ट ड्यू, सिंपल ट्रांजेक्शन, सिंपल नैरेशन, ओके। आफ्टर दैट अगर इंटरेस्ट मिल गया है, इंटरेस्ट की एंट्री आ चुकी है, तो आप अभी पार्ट पेमेंट वाला एंट्री इंटरेस्ट के साथ कैश में रिसीव कर सकते हो, ओके। तो कैश हमें मिलेगा सेम डेट जून 21, कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट बोलेंगे टू, कौन देगा हमें, सुधीर देगा, तो यहां पे लिखेंगे सुधीर अकाउंट। कैलकुलेट करो, देखो 13,800 एंड इंटरेस्ट की अमाउंट, तो अभी ढूंढी ना 600, तो इंटरेस्ट के 600 एंड 13,800 दोनों ऐड करो और एक साथ ले लो, तो कितना होगा 600 ऐड करने के बाद 14,400 और यहां पे हम लिखेंगे बीन पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर अलोंग विद इंटरेस्ट, ओके। तो इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट रिसीव वाले एंट्री यहां पे दे दी, ठीक है। तो यहां तक हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, किया आगे पढ़ेंगे सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस, सिद्धांत एग्री हो गया, ओके पार्ट पेमेंट की एंट्री दे दी, द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल बनेगा 2 मंथ्स के लिए, न्यू बिल की एंट्री, तो बिल ही बनेगा ना, बिल बनेगा यानी बिल एक्सेप्ट होगा, बिल एक्सेप्ट वाले एंट्री जो है पहले से एक दे रखी है प्रॉब्लम में अपन ने, बिल रिसीवेबल टू सुधीर, ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री थी, ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, वापिस दोबारा बिल बनेगा तो बिल की एंट्री तो सेम ही आएगी ना, यस। तो इसी तरह एंट्री रखेंगे, बिल रिसीवेबल टू सुधीर, अमाउंट जो भी रहेगी वो आएगी, तो यहां पे लिखेंगे जून 21 और एंट्री देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो सुधीर अकाउंट। कितनी अमाउंट बाकी है, 43,800 में से 13,800 दिया है, तो वो छोड़ने के बाद बिल की टोटल अमाउंट कितनी बचेगी, 30,000, यस 30,000, तो बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस अमाउंट बाय सुधीर, न्यू बिल एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। अभी आफ्टर दैट बिल एक्सेप्ट करने के बाद क्या बोला है, देखो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर द बिल, ड्यू डेट आने से पहले ही सुधीर ने बिल रिटायर कर दिया, रिटायर किया मुझे, रिटायर किया मतलब क्या बोलेंगे, बिल का अमाउंट जो है ड्यू डेट के पहले ही मिल जाना, ड्यू डेट का अमाउंट बिल के पहले ही मिल जाना यानी होगा रिटायर, सो 29,700 रिसीव करेंगे हम, तो मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, आप ये लिख लेना, ठीक है। तो डेट तो पता नहीं है रिटायर कब किया ड्यूडेट के पहले, बट कौन सी डेट पता नहीं है, तो ड्यूडेट लिखेंगे नहीं यहां पे कौन सी, ठीक है। डायरेक्ट रिटायर, रिटायर यानी पैसा मिलना, टाइम के पहले पैसा आ रहा, तो कैश कौन सी, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट बनेंगे यहां पे। अगर टाइम के पहले पैसा आता है तो स्पेशल एक्सपेंस होगा रिबेट, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा उसे रिबेट बोलेंगे, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल के अगेंस्ट, बिल का पैसा मिल रहा है तो बिल रिसीवेबल यहां पे लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो कितनी अमाउंट देखेंगे, बिल की अमाउंट 30,000 थी यहां पे है ना, न्यू बिल की अमाउंट 30,000, यस। कितना पैसा मिला,
29,700 कैश बैक में लिखेंगे 29,700 और जो बचेगा वो रहेगा रिबेट यानी स्पेशल डिस्काउंट। यहां पे लिखेंगे बी न्यू बिल रिटायर। ओके तो अगर रिटायर हो गया यानी बिल का पैसा मिल गया तो आपको एंट्री समझ में आई। देखो यहां पे प्रॉब्लम एंड होता है। सो इतनी सारी एंट्रीज है हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स के। यहां पे ओनली सिद्धांत के बुक्स में एंट्रीज दी है। सिद्धांत यानी कौन है यहां पे ड्रॉ। तो आपको ये एंट्री समझ में आई या नहीं आप मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो आपको जरूर पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।